नमस्कार, मैं लीलाधर निर्मलकर और आप देख रहे पंजाब के श्री न्यूज। भाजपा ने आज अपनी पत्ती खोल दी है और इस पत्ते के साथ अत्तागढ़ के पूर्व विधायक भोजराज नाग को टिकट मिला है। और हम जानते हैं भोजराज नाग किन मुद्दों के साथ इस चुनावी रणनीति इस चुनावी रण पर उतरेंगे। और मैं आपको बता दूं, भोजराज नाग एक फायर नेता के नाम से जिला भर में प्रसिद्ध हैं। आप सबसे पहले मुझे बताइए, आप किन मुद्दों के साथ यहाँ चुनाव में आएंगे? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव में उतरने जा रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनकल्याणकारी योजना चल रही है पूरे देश भर में, और अभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आदरणीय विष्णु देव साय जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक सुशासन का राज्य छत्तीसगढ़ को देने का जो मोदी जी की गारंटी की बात कही है, निश्चित रूप से हम विकास को लेकर के चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं। आप धर्मांतरण को लेकर लगातार एक्टिव रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे और आप जीत कर आते हैं तो इस पर किस तरह से आप कार्य करेंगे? धर्मांतरण को लेकर के मुझे ही नहीं, पूरे सनातनियों को जो अपने देवी देवता धर्म संस्कृति को मानता है, ऐसे सब लोगों को अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जिनको भी प्रेम है, वो सब लोग धर्मांतरण के खिलाफ, और जो अपने धर्म के प्रति दूसरे लोग अनादर करते हैं उसके खिलाफ निश्चित रूप से बोलेंगे। और हम चाहते हैं कि एक कड़ी कठोर कानून बने और ऐसे जो धर्मांतरित लोग हैं जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लगातार बस्तर में जो है बीजेपी नेताओं को नक्सली टारगेट कर रहे हैं और आपको भी कई बार धमकी मिल चुका है, आप इसे किस तरह से देखते हैं और क्या होना चाहिए इसके बाद? हम एक राष्ट्रवादी पार्टी के लोग हैं, इसलिए हम कोई भी धमकी से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, जिनको जो काम करना है वो करें, लेकिन हम अपने राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे, भारत को सनातन धर्म और पूरे विश्व का गुरु बनाने का काम करेंगे। कांकेर लोकसभा में आप जीत कर आते हैं, सबसे पहले आपके प्रथम कार्य क्या होगा? कांकेर लोकसभा में पिछले कांकेर लोकसभा ही नहीं, छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों से दुर्भाग्य से यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। पिछले 15 वर्षों में जो भी विकास के काम दिख रहे हो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के काम है। ये पिछले 5 साल में ब्रेक लगा है, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया था और इस राज्य को हम ही संवारेंगे। जो जो विकास के काम बचे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पूर्ण करेगी। यह हमारे साथ जो है भोजराज नाग जी थे, जिन्होंने अपनी बात को रखा और कहा है कि हम जीत कर आते हैं तो क्षेत्र के विकास करेंगे और मोदी की गारंटी पर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।